सभी बीटेक सेकंड के छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम मशीन ड्राइंग में आपको फाउंडेशन बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो इसको स्टैंडर्ड नाम अनुसार बनाया जाता है। इसमें यह जो बोल्ट है उसकी ये मशीन बेल से इसमें जो पास लगाया है ये नट है और ये बोल्ट है जिसकी डी जो व्यास रखा जाता है वो डी और ये आपके इससे और इसकी दूरी जो मशीन पे से ये दूरी है जो 2.25 डी के बराबर रखी जाती है। इसमें ये 2D के बराबर रखा जाता है, ये 3D, ये 5D और ये डी के ये मशीन पे से जो ये जानना बाकी है ये मशीन पे से जाता है। मशीन बेस ये वाशर है, ये है तो मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करता हूँ आप
जो भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस आप ड्राइंग शीट में अवश्य करें, क्योंकि ड्राइंग शीट में आप प्रैक्टिस करने से ही आपको ये ड्राइंग जैसे थ्योरी ये सब्जेक्ट जैसी नहीं होती, क्योंकि उन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं, परंतु ड्राइंग पढ़ने से समझ में आकर और आप इसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जिससे प्रैक्टिस ड्राइंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस चाहती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी ड्राइंग में सफाई आएगी और पेंसिल को आप अच्छी तरीके से मूवमेंट दे सकेंगे, क्योंकि यह आप बनाने का प्रयत्न करेंगे, ये राइट पॉइंट है, आप एक के बाद एक नीचे फाउंडेशन छोड़ो। तो इसे आप किसी भी मशीन जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन आदि को फाउंडेशन पर फिक्स करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार वह चलने मूवमेंट करती है, जब कब वाइब्रेट होने पर यह फाउंडेशन में से मशीन मूवमेंट नहीं करती, वाइब्रेट नहीं करेगी और यह अच्छी तरीके से उसमें पकड़ मजबूत की जाती है। तो फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग वर्कशॉप आदि में किसी भी मशीन को फाउंडेशन पर फिक्स करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे मैकेनिकल ग्रुप में जो मशीन ड्राइंग है उसमें महत्व, जैसे आपके थ्रेड है, वाशर है, नट है, बुलट है, ये आदि की ड्राइंग बनाना और प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनको बनाने के बाद ही आप अच्छी तरीके से और आपके एग्जाम की तैयारी कर सकते। तो आज हम आपको फाउंडेशन बोर्ड के बारे में बताए, जैसे और इसी टॉपिक से जैसे आई फाउंडेशन बोर्ड है और स्क्वायर फाउंडेशन बोर्ड है आदि बोर्डों को भी आप निरंतर आपको टॉपिक बाई टॉपिक अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते रहेंगे। तो आज हम इसी सब्जेक्ट संबंध में जो भी सब्जेक्ट आप इसमें जैसे विविध ज्वाइन आपको मेरे ऑनलाइन क्लास जैसे पहले पिछली क्लास में भी आपको विविध ज्वाइंटों के बारे में बताया था, उनमें लिमिट उपयोग की जाती है, वह पर स्थाई जॉइंट बनाने के नाम उपयोग होती है, लिमिट ब्रेकिंग वेल्डिंग या आदि स्थाई जॉइंट बनाने, परंतु बोल्टों का उपयोग स्क्रू का उपयोग आपकी अस्थाई जॉइंट बनाने आप जब चाहें मशीन को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, नट को खोलते परंतु फाउंडेशन में कोई फिक्स किया जाए जिससे मशीन वाइब्रेट नहीं करे, क्योंकि हम सादा बोल्ट यदि फाउंडेशन में दिया जाए तो वो वाइब्रेट करने पर मशीन लूज हो जाती है और वह अधिक वाइब्रेट करती है। तो फाउंडेशन बोल्ट अधिक जकड़ मजबूत जकड़ पकड़ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, मशीनों की मजबूत पकड़ फाउंडेशन बोल्ट के द्वारा ही बनाई जा सकती है किसी फाउंडेशन पर फिक्स करते हुए। तो या इनका ड्राइंग शीट में जो भी आपको ये ड्राइंग बनवाई जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से, इन्हें आप अधिक से अधिक और मैं आपको जो आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भेजने को ओपन करके और इस ड्राइंग की वीडियो आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो यह ड्राइंग आपके लिए फ्री हैंड बनाई गई है, सभी कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दिया आपका कितना हो जाएगा, परंतु स्टैंडर्ड नाम पे आप वीडियो आप जितना रखेंगे उसी अनुपात में आपको इन सभी का नाम रखना है। तो मैं सभी छात्रों से ये आग्रह करता हूँ आप अधिक से अधिक इन ड्राइंगों का प्रैक्टिस करें और ड्राइंग सीख में अधिक से अधिक बनाने का अभ्यास करें। थैंक यू, और कोई समस्या हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करें या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें तो आपको इस ड्राइंग के बारे में अवश्य बता रहा है। तो आप हीटर के सेकंड ईयर छात्र सभी मशीन ड्राइंग पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि मशीन ड्राइंग को आपका जैसे है, वाशर है, नट है, बोल्ट है,
से ये आप बनाने में बहुत ही आसानी है और समझने में। तो प्रैक्टिस आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी प्रगति आपकी प्रैक्टिस होगी और बनाने में आसानी होगी। थैंक यू। और कोई समस्या हो उसके लिए आप जरूर अवश्य संपर्क करते हैं और हमारे यहाँ पर आपको क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास कॉलेज के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। ओके तो सभी छात्रों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप अधिक से अधिक ड्राइंगों का बनाने का अभ्यास करते हैं और इन्हें ड्राइंग शीट पर जो भी ड्राइंग आपको बनाई जा रही है बनवाई जा रही है या उसे आप ड्राइंग शीट पर बनाने का निश्चित अभ्यास करें। जितनी बार आप इसे एक बार वीडियो के माध्यम से और दोबारा इसे आप बिना देखे